यहाँ पे ईरान आके भाई मैं करोड़पति बन गया हूँ। इस वक्त मेरे हाथ में 20 करोड़ रुपए है टोटल। सही बात है, यहाँ की करेंसी भाई साहब इतनी ज्यादा आ जाती है कि ऐसी तिजोरी लेके जानी पड़ेगी। रोक के उड़ा दिया, तो रिकॉर्डिंग चल रही है, बता रहा हूँ। हमारी जो सोच थी ना भाई ईरान को लेके कि यहाँ पे काफी कंजर्वेटिव लोग होंगे, लड़कियां स्पेशली। अपना सबवे रेडी हो रहा है ईरानी स्टाइल में। यस गुड। भाई साहब कह रहे हैं बचा के चलो अपने फोन को, वरना बाइक पे या साइकिल पे कोई आएगा और फोन छीन के ले जाएगा। अफगानिस्तान। ओके, दोस्ती। सेम है भाई, कुलते जैसा टेस्ट। गलत फ्लोर पे आ गया था गलती से। एक्चुअल में ब्रेकफास्ट जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे था, बट इनका जो रेस्टोरेंट है वो 8th फ्लोर पे, तो ये पता नहीं क्या चक्कर है। फर्स्ट फ्लोर पे देखते क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री मिला हुआ है, 10 बजे तक ही टाइम था और 10 बजने में 10 मिनट बचे। अभिषेक तो सो रहा था, तो मैंने सोचा मैं उठ ही गया हूँ तो ब्रेकफास्ट करे आता हूँ भाई, फ्री का ही है ना। मेरे ख्याल वही होगा भाई, बुफे सिस्टम टाइप का ना, जिसमें जूस वूस देते हैं। ये देखो फ्रूट्स है, यहाँ पे जूस है। जूस तो भाई 2-3 गिलास पीऊंगा। 4000 रुपए पर नाइट दिए है ईरान में होटल के, कुछ तो वसूल करूँ। तरबूज बहुत मिलता है भाई ईरान में, रस्ते में भी काफी बिक रहा था, एंड लग भी मीठा सा है। हालांकि इतना लाल नहीं है, बट स्टिल काम चल जाएगा अपना। और ये शायद से तो खरबूजा लग रहा है, होपफुली मीठा होगा। और ये कौन सा जूस है भाई, मफिन ले लेते। ये क्या चीज है अजीब सी भाई साहब, कुछ तो नॉन वेज लग रहा है। दिस इज गोश्त? नो, वेज पोटैटो। ओके, तो ये पकोड़े टाइप के है भाई, आलू के। मेरे को नहीं खाने सुबह तली हुई चीजें। अरे वाह यार, रोटी गरम करके दे रहे, क्या बात है। वैसे तो हर जगह ठंडी देते हैं, एंड यहाँ पे ये वाली रोटी भी मिली है पहली बार ईरान में, वरना तो यही दिख रही थी हर जगह। पांडे को आ जाना चाहिए था, कुछ तो है अच्छा खाने का। इधर क्या है भाई, ओ राजमा। बीन्स बहुत चलते हैं ऐसे देशों में ना, इजिप्ट में भी थे, आपको दिखाए थे। अंडे है, चलो अंडे ले लूंगा, बढ़िया। बाकी वही है भाई, नॉर्मल अचार बटर वगैरह। राजमा ले लेता हूँ, एक रोटी ले लेता हूँ, यही खाया जाएगा, और तो क्या ही खाऊंगा। तरबूज तो मीठा भाई, मजेदार है एकदम। अभी मेरे को भाई शिपिंग वालों भी अपडेट लेनी है कि क्या हुआ गाड़ी का, कहाँ पहुंची, तो एक बार कॉल कर लेता हूँ। एम आई ऑडिबल? माय नेम इज अनमोल जायसवाल एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स राइट? ओके, थैंक यू, मर्सी, हैव अ नाइस डे, या बाय। चलो भाई, अपनी जो वेसल है ना, मतलब शिप है जो, जिसमें अपनी स्कॉर्पियो लोड है, वो फाइनली बंदर अब्बास में पहुंच चुकी है। शिप मतलब कि खड़ी हुई है पोर्ट पे, और क्लियरेंस का प्रोसेस शुरू हो गया है। 2-3 अलग अलग एजेंट्स हैं जिनसे हमारी बात चल रही है। मतलब एक एजेंट है जो शिपिंग लाइन ने करके दिया, जो हमारी शिपिंग संभाल रहा है पूरा। एक एजेंट कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, हमने ढूंढा था बंदर अब्बास जाके, जो हमारा कस्टम क्लियरेंस करवाएगा। तो अब इन दोनों एजेंट्स को ना हमें मिलवाना है, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को जानते नहीं है। तो दोनों को मिलवा के फिर जो पूरा प्रोसेस है ना डॉक्यूमेंटेशन का एंड क्लियरेंस का, वो होगा। तो फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं, रेडी होते हैं भाई। कभी भी बुलावा आ सकता है कि आ जाओ भैया गाड़ी लेने अपने, ओए बल्ले बल्ले, मजा आ जाएगा। तो ये वाला होटल भाई हम चेकआउट कर रहे हैं, दूसरा होटल ढूंढा है। ये वाला हमें $50 पर नाइट में मिला, और इसी गली में 4-5 बिल्डिंग छोड़ के एक और होटल है, सेम साइज का रूम है, बाथरूम थोड़ा सा छोटा है, बट वो हमें मिल गया $30 पर नाइट, यानी कि 2400-2500 रुपए का। तो इससे तो अच्छा ही है भाई, 4500 रुपए देने से, एंड ब्रेकफास्ट वहाँ पे भी इंक्लूडेड है। तो फटाफट से ये सारा सामान पैक करते हैं और इनको घसीट घसीट के लेकर चलते हैं दूसरे होटल। आज तीसरा दिन है ईरान में भाई, और अभी तक करेंसी नहीं समझ आके दे रही हमें कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या है। जो भी पैसे मांगते हम तो भाई ये गड्ढी निकाल के रख देते, इसमें से बता दो भाई कितने हैं। चलो भाई बिल हो गया। ओके थैंक यू बाय। अब इतने सारे बैग उठा के ले जाना भी एक टास्क है। और पूछ रहे थे मेरे से क्या करते हो, मैंने कहा मतलब यहाँ पे ना यूट्यूबर नहीं पता, यहाँ पे बोलते इन्फ्लुएंसर। तो मैंने कहा तो मैंने यूट्यूब चैनल नहीं, इंस्टाग्राम आईडी दिखा दी, तो 3 लाख कुछ फॉलोअर है मेरे। तो वो देख के चौंक गए, ओ यू आर फेमस इन इंडिया। इंडिया को हिंद बोलते हैं यहाँ पे, हिंद। तो कहती यू आर फेमस इन हिंद। मस्त लोग है भाई, काफी चिल आउट सीन है यहाँ पे, मतलब जो लगा था उसके ओपोजिट है पूरा। वो सामने होटल था अपना, एंड उसी के यहाँ पे है ये अपादाना होटल। किसी को बुलाते हैं, बहुत गर्मी है, पसीने छूट गए, होगा कुछ 500-600 मीटर, पर इनको घसीट के तो बैंड बज गई। गर्मी की ज्यादा दिक्कत है, प्रॉब्लम वही है बस सारी। चलो भाई चेक इन करें फटाफट। कुछ दिन भी आए थे हम इस होटल, बट फुल था, आज मिल गया सही। यहाँ पे देखो काफी सारे कंट्रीज के फ्लैग लगे हुए हैं, बट अपने इंडिया का नहीं है भाई। नो इंडियन फ्लैग। ये है भाई अपना रूम, वही मैंने बताया था ना, सेम ही साइज है, एंड बाथरूम कुछ ऐसा है। तो एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 24 मई 2023, मैं हूँ अभी बंदर अब्बास ईरान में, एंड आप देख रहे हो नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस सीरीज में भाई मैं अपनी स्कॉर्पियो को लेकर निकला हुआ हूँ दिल्ली टू लंदन बाय रोड, 110 दिनों के लिए 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के 25 कंट्रीज कवर करेंगे। गाड़ी जो है मुंबई से ईरान के लिए निकल चुकी है, एंड हम दिल्ली से निकले थे दुबई, और दुबई से फिर आए हैं बंदर अब्बास ईरान में। यहाँ पे अपनी गाड़ी करेक्ट करेंगे,
एंड रोड ट्रिप को कंटिन्यू करते हुए टर्की घूमेंगे, यूरोप घूमेंगे और फाइनली पहुंचेंगे लंदन यूके में। एक चीज और भाई, जैसे इंडिया के होटल्स में ना पासपोर्ट या कोई भी आपकी आईडी प्रूफ लेते हैं तो उसकी सिर्फ फोटोकॉपी करके रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या भाई पासपोर्ट जमा ही कर लेते हैं और कंप्यूटर में पता नहीं डिटेल डाल डाल के चेक करते हैं कि रियल है या फेक है। मतलब ऐसा कुछ सीन है, पिछले होटल में भी रखे रखा उन्होंने और आज भी ले लिया। वीजा भी लेते हैं एंड पासपोर्ट भी। वीजा की तो चलो हमने कॉपी दे दी, बट पासपोर्ट तो ओरिजिनल देना पड़ा। अभी आज से ले लेंगे, कहीं नहीं रह जाए। शहर को भाई साहब इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना धूप की वजह से, तो इसलिए हम बाहर निकले ही नहीं, होटल में ही थे। और अब शाम को 5 बजे निकले हैं, धूप खत्म हो गई है तो चलने लायक मौसम है। एंड जिस जगह पे हम रुके हुए हैं ना, ये बंदर अब्बास का मेन सिटी सेंटर है एंड पूरे ईरान का जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो बंदर अब्बास का ही है। ईरान की कैपिटल सिटी तेहरान है और सेकेंड बड़ी जो सिटी है वो है मसाद करके। बट जितना भी समुद्र से यूएई शारजा से ट्रेड होता है ना, वो सारा भाई यहीं से बंदर अब्बास के थ्रू ही होता है। ये वो शॉप आ गई है जहाँ से मैं चिकन टिक्का खा के गया था या चिकन सीख कबाब। अभी कुछ और देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि उधर वाला जो एरिया था ना वो तो सिटी सेंटर का एरिया था मेन, वहाँ पे एक दो मॉल्स वगैरह भी थे बट हम इस तरफ नहीं गए थे एक बार भी। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा पैदल पैदल घूम के आते आगे तक। ईरान में इतनी सारी बिल्ली है, यहाँ पे तो नॉर्मल है रास्ता काट जाती है, तो मेरे ख्याल यहाँ नहीं मानते होगे ना वो कि बिल्ली रास्ता काट गई तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मली दिखती रहती है भाई बिल्लियाँ। जैसे यहाँ पे लोग चल रहे हैं वैसे यहाँ पे बिल्लियाँ भी चलती है। ये देखो भाई सारे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह है। ओ हो, देख रहे हो किसमें रखा हुआ ड्राई फ्रूट। इस मेन सिटी सेंटर में ना भाई बहुत सारे बैंक है, मतलब पीछे भी हम 4-5 बैंक देख कर आए। यहाँ पर ये देखो सामने ये रहा, ये तो एक टूर एजेंसी है लेकिन आगे भी है बैंक। हालांकि हमें ना बंदर आवास में टूरिस्ट देखने को नहीं मिले, ज्यादातर यहाँ पे लोकल लोग ही दिख रहे हैं। यही हम अगर तेहरान जाएंगे तब्रीज जाएंगे वहाँ पे टूरिस्ट काफी आते तो हमें देखने को भी मिलेंगे। एंड यहाँ पे भाई लोग गाड़ियां ना रोकते ही नहीं है और ऐसा कुछ सिस्टम भी नहीं है मतलब क्रॉस करने का, तो मतलब वो ये जबरदस्ती जाना ही पड़ेगा हाथ देके। अरे रोक दो भाई, उड़ा मत देना। हेलो हेलो रुक जाओ, सामने कुछ खाने का मिला तो है, लेट्स सी। नहीं रोक रहे भाई, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आ जाओ जल्दी आओ, रोक के रोक के उड़ा दिया तो रिकॉर्डिंग चल रही है बता रहा हूँ। वेरी गुड। एंड एक ही ये रेस्टोरेंट सा दिखा है, यहाँ पे फलाफल मिल जाना चाहिए। इजिप्ट में भी फलाफल बहुत बिकता था तो वेजिटेरियन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है। फलाफल नो चलो भाई इनके पास तो है नहीं, यहाँ पे तो चिकन ही लग रहा था मुझे। बाहर के देशों में जितने भी मैकडी डोमिनोज होते हैं ना भाई, कुछ कुछ कंट्रीज में वेज होता है बट ज्यादातर कंट्रीज में वेज ऑप्शन ही नहीं होते उनमें, तो बहुत दिक्कत की बात है ये सही में। हमारी जो सोच थी ना भाई ईरान को लेके कि यहाँ पे काफी कंजर्वेटिव लोग होंगे लड़कियां स्पेशली, बट ऐसा कुछ है नहीं भाई, सब मतलब एकदम चिल सीन है यहाँ पे, इंडिया से भी ज्यादा चिल लग रहा है मुझे तो। लोग खुद से ही सामने से आके अप्रोच करते हैं, खुद से ही बातें करने लग जाते हैं। अभी तक तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है 3 दिन से सच्ची बताऊं तो, आगे का पता नहीं। अभी 8-10 दिन और रहना है बट हमें जाना वो सामने इस वाले रेस्टोरेंट में, यहाँ मिल जाएगा फलाफल। अरे रोक के भाई रोक के, अरे अरे सही में नहीं रोकते भाई, भगाते ही जाते हैं। ये जो ऐसे रेस्टोरेंट्स है ना किसी ने भी इंग्लिश में कुछ लिखा ही नहीं हुआ। आइसक्रीम तो है भाई यहाँ पे, मेन्यू तो है भाई बट सब कुछ यहीं की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और ये ऑर्डर देने के लिए मशीन भी है बट इसमें भी इंग्लिश नहीं है। चलो भाई यहाँ तो हो नहीं सकता कुछ। मेन दिक्कत है ना लोगों को मतलब टूटी फूटी इंग्लिश भी नहीं समझ आती, इतनी ज्यादा दिक्कत है स्पेशली बंदर आवास में। वरना क्या रशिया चाइना जैसी कंट्रीज में लोगों को टूटी फूटी थोड़ी बहुत तो आ जाती है तो वो समझ जाते हैं क्या बोलना चाहते हम, बट यहाँ तो वो भी नहीं होता। तो एक ये शॉप मिली है इनके पास है फलाफल, बट इन्हें समझ नहीं आ रहा वेज नॉन वेज कैसे बताए, तो एक ही लिया अभी ट्राई करके देखता हूँ, अगर वेज ही हुआ तो फिर ये भी खा लेगा। तो फलाफल काइंड ऑफ ना सबवे ही होता है, जैसे इंडिया में सबवे है ना, तो ये इतनी सारी 4-5 चीजें हैं जो ऐसे बंद में काट के अंदर डाल के भर दी जाती है, और फिर कुछ मेयोनीज वगैरह भी डालते हैं। ये तो देखो वो तल रहे हैं, चिकन ही लग रहा है यार मेरे को तो। इनको लिख के तो दिखाया गूगल ट्रांसलेट से, पता नहीं समझे या नहीं समझे। लोकल कार्ड भाई बहुत चलते हैं, लोग ना मतलब कैश प्रेफर ही नहीं करते, सब लोग कार्ड ही टैप करते हैं। इस तरह की मशीन्स होती है, देखो इन भाई साहब ने भी जो है वो अपना कार्ड दिया और वो स्कैन हो गया उसमें। अफगानिस्तान ओके दोस्ती। तो अभिषेक ने मना कर दिया, कह रहा मन सा नहीं कर रहा स्मेल सूंघ के। मैंने कहा मेरे लिए बना दो भाई, भूख लग रही है बहुत तेज। तो ये देखो 3-4 अलग अलग चीजें हैं, पहला वाला वेजिटेबल है बाकी सब नॉन वेजिटेरियन है। लग तो वेज ही रहा है यार, हाँ वेज ही है शायद। वेजिटेबल सब्जी वेजिटेबल वेजिटेबल भारी समस्या है भाई सही में, समझाने में ही बंदे की आधी तो जान निकल जाए। यू लव इंडिया गुड, इंडिया गुड, हिंदी गुड गुड। तो ये बेसिकली पहले तवे पे गरम किया जा रहा है इसको पूरा। ये है यहाँ पे हाइजीन का ना ध्यान रखा जा रहा है, देखो ग्लव्स पहन रखे भैया ने प्रॉपर। कोई सबवे स्टाइल का इनके पास बंद होता है बट ये थोड़ा बड़ा है बस। दिस हाफ नो फुल हाफ हाफ यस ज्यादा है भाई, वो मेरे से कहाँ खाया जाएगा वो। अभी तो ये भी चीजें डलेगी। यस गुड को मैं अभी गुद बोल रहा हूँ, बताओ भैया ना मतलब कोई चीज रिपीट करते रहो ना तो आपकी जुबान भी वैसी हो जाती है। यहाँ पे गुड को गुद बोलते हैं, ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल ऐसे। लो जी अब इसके अंदर डाला जाएगा, लेट्स गो। दिस नो ओनली दिस लिटल विद दिस लिटल नो अनियन प्याज
प्याज समझ नहीं आया, प्याज नो प्याज ओके लिटल बिट यस लो जी लो अपना सबवे रेडी हो रहा है ईरानी स्टाइल में यस गुड नो पैक ई वन वाटर बोतल पेप्सी नहीं वाटर नो दिस चलो जी पानी की बोतल ले ली हाउ मच तोमांस नो डॉलर तोमान लूट ना ले भाई 49 तोमान ओके ठीक है इंडिया के 80 रुपए के आसपास बने 80-90 रुपए सही है यार तो ये वाला 50 का नोट दे देते हैं मर्सी यस बाहर ही बैठते भाई बाहर खाते हैं बंदना देखने में ही बड़ा लग रहा था वैसे हल्का फुल्का सही है कुलचे जैसा लग रहा है भाई बिल्कुल टेस्ट कुलचे है जैसे इंडिया में कुलचे मिलते हैं ना अपने सेम है भाई कुलचे जैसा टेस्ट बढ़िया है यार 70 रुपए में पानी की बोतल और ये और क्या चाहिए रेडी टू ईट गर्म करने के लिए ना केतली लेने आए हुए थे यहाँ पर ये केतली ली है ऐसी है मतलब पैक हो गई है 370 तुम्हारे इंडिया के 700 रुपए के आसपास इलेक्ट्रिक केटल है वैसे तो होटलों में मिल जाती है बट अभी वाले होटल में थी नहीं तो इसलिए ले ली तो अभी मैंने इनको 100-100 के चार नोट दिए और उन्होंने 370 काटने थे तो 30 इनके पास खुले नहीं है तो हमने कहा कोई बात नहीं रहने दो बट वो कह रहे नहीं नहीं लेकर जाओ तो शायद से कुछ और चीज देंगे किसी ने ढूंढ ही लिए भाई ओके मर्सी चलो भाई चलो अब होटल चलते हैं सीधा यहाँ से ईरान में हर जगह भाई इलेक्ट्रिक गेट लगे हुए चाहे छोटी सी दुकान हो चाहे बड़ी होटलों में तो होते ही है यहाँ भी देखो सेंसर लगा हुआ अपने आप खुल जाता है अपने आप बंद हो जाता है सही बात है यहाँ की करेंसी भाई साहब इतनी ज्यादा आ जाती है $100-200 भी की ऐसी तिजोरी लेके जानी पड़ेगी गर्मी ना बहुत पड़ती है स्पेशली बंदर आवास में इसलिए ना छोटी छोटी दुकानों पे भी एसी लगाए हुए मैंने कल भी आपको दिखाया था वो छोटी सी जनरल स्टोर था उसमें तक एसी लगा हुआ था जो अपने इंडिया की चीज की दुकानें होती है छोटी छोटी अभी मतलब मई का महीना चल रहा है जून जुलाई में तो यहाँ भाई आग बरसती होगी बिल्कुल ये सुपर मार्केट है यहाँ से बंद बंद ले लेते हैं क्योंकि पाव भाजी की भाजी तो है रेडी टू ईट लेकिन खाएंगे क्या उसके साथ यहाँ पे मिल जाएंगे अपने को पाव तो नहीं मिलेंगे बट ये छोटे वाले बंद मिल जाते हैं और ये बड़े बर्गर वाले भी बताओ भाई कौन से लोग हैं एक चीज और बताना भूल गया यहाँ पे जो सिम कार्ड मिलती है ना टूरिस्ट को वो उनके नाम पे नहीं मिलती लोकली कोई भी जो दुकानें होती है ना वही आपको दे देगा यानी कि आपको कोई अपना पासपोर्ट नहीं देना कोई आईडी प्रूफ नहीं देनी सीधा उनको पैसे दो और वो आपको सिम कार्ड दे देते हैं शायद से इसलिए टूरिस्ट को ये महंगी देते हैं $13-17 वरना लोकली तो यार 700-800 रुपए की सिम थोड़ी होती है वो भी बिना रिचार्ज किया ना अगर आपको यहाँ पे ईरान में किसी भी चीज का रेट पूछना हो तो सीधा बोलो इन चांद आस का मतलब होता है ये कितने का है थोड़े बहुत लोकल लैंग्वेज मैंने सीख लिया ताकि इजी रहे स्पेशली बंदर आबाद जैसे एरिया में तो दिक्कत होती है क्योंकि आप इन्हें बोलोगे ना हाउ मच तो वो चीजें समझ नहीं आती या तो बोलो तोमान ऐसे करके ये सीधा बोल दो इन चांद आस टोटल हुआ अपने 28 तोमान 20 तोमान की है ये कोल्ड ड्रिंक और ये है अपने 8 तोमान कोई 50 का नोट दिया था बाकी उन्होंने वापस कर दिए कितने 22 बच्चों के खिलौने मिल रहे हैं यहाँ पे देखो शाम के टाइम पे एक्चुअल में मार्केट ना पूरी खुलती है मतलब दोपहर को यहाँ पे रेस्ट पीरियड होता है 3-4 घंटे का उस टाइम पे क्या सारे मॉल सारी दुकानें बिल्कुल भाई बंद हो जाती है और रोड पूरी सुनसान सब लोग घर में घुस जाते हैं निकलते ही नहीं है एंड फिर जाके 4:30-5 बजे के आसपास शायद से पूरी मार्केट ओपन होती है तो जो आपको मेन भीड़ दिखेगी ना वो 6-7 बजे के आसपास ही दिखेगी जब लोग एक्चुअल में घर से आते हैं यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने यहाँ देखो प्याज टमाटर सब बिक रहे कोयला बहुत बिकता है यहाँ क्योंकि यहाँ पे चिकन विकन भी ना बारबेक्यू करके खाते हैं यानी कि वही ग्रिल पे कोयला लगा के तो इसलिए कोयला बिकता भी बहुत है ये सारे प्लास्टिक का सामान घर का इधर भी देखो तो इन चीजों से पता चलता है ये टूरिस्ट ही जगह नहीं है यहाँ पे ज्यादातर लोकल्स ही आते हैं क्योंकि ऐसा सामान टूरिस्ट वाली जगहों पे क्यों बेचेंगे भाई है ना ये सारा लोकल्स के लिए मार्केट है जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं वो यहीं के ही है बंदर आबाद के जो अपने घर के लिए शॉपिंग करने आए हैं मोटरसाइकिल ओके मर्सी भाई साहब कह रहे हैं बचा के चलो अपने फोन को वरना बाइक पे या साइकिल पे कोई आएगा और फोन छीन के ले जाएगा तो ये तो वैसे हर देश की कहानी है मतलब कुछ ही गिने चुने देश है जहाँ पे ये चीज नहीं होती मैं बाली गया था वहाँ पे भी मैंने सुना था मलेशिया में भी सुना था सिंगापुर में नहीं था इतना लेकिन यहाँ पे भी वही सीन है ये रहा सिटी सेंटर यहाँ का ये बंदर आबाद का सबसे बड़ा मॉल नहीं है इसके अलावा एक और बड़ा मॉल है मेगा मॉल करके ये भी काफी बड़ा है इसमें लगभग सारी शॉप्स वगैरह है अंदर तो हम यहाँ पे 3-4 बार ऑलरेडी आ चुके हैं सिम कार्ड खरीदने रिचार्ज करवाने वीपीएन लेने तो बस वापस से जा रहे हैं अंदर रेस्टोरेंट वगैरह भी है खाने पीने आप आ सकते हो ये रहा फलाफल तो यहाँ भी मिल जाता मेरे ख्याल कपड़ों की बहुत दुकान है यहाँ पे एंड गोल्ड की भी है ज्वेलरीज भी है एटीएम भी अंदर ही बना हुआ है बट हमारा कार्ड नहीं चलेगा ओनली लोकल कार्ड चलेंगे यहाँ पे है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ना ये पूरा फुली एसी है मस्त एकदम ठंडा वॉशरूम भी बने हुए अंदर ही अपना आप यहाँ पे आके शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो एंड चीजें भी बहुत सस्ती है देख रहे हो एयर जॉर्डन वगैरह एक तो इन्होंने प्राइसेस नहीं लिखे हुए चीजों पे और लिखे भी है ना तो अपनी ही लैंग्वेज में लिखे हुए हैं ये आगे भाई यहाँ पे गेमिंग भी कर सकते हो आप बैठ के और बाकी यहाँ से रिचार्ज वगैरह इन भैया से हमने सेम और वीपीएन ली थी तो पांडे का वीपीएन चल नहीं रहा वही ठीक करवाने आया स्पीकर वीकर भी बिक रहे हैं बोट का नहीं है यहाँ पे है होको करके ब्रांड कोई बड़े प्यारे प्यारे से भाई यहाँ के ईरान के हेलो सलाम ये आ गया भाई अपना होटल तो अभी जाते वक्त हम पासपोर्ट ले गए थे बट वापस से आए इन्होंने पासपोर्ट मांग लिया है तो मतलब वो ये है इन्हें सबमिट करके ही रखते हैं जब तक बंदा चेकआउट नहीं करता तो अगर आपको बाहर जाना है करेंसी चेंज करवाने या घूमने तो आप ले जा सकते हो वरना फिर इन्हीं के पास पड़े रहने दो कोई नहीं सेफ ही है
भाई लोग फाइनली आज 3 दिन के बाद मुझे यहाँ की करेंसी समझ आ गई है, तो आपको भी फटाफट से समझा देता हूँ ताकि इजी हो जाए अगर आप में से कोई ईरान आएगा घूमने। सबसे पहली चीज, ईरान में ना 2 करेंसी है, पुरानी एंड नई। एग्जांपल के लिए, डीमोनेटाइजेशन से पहले इंडिया में अलग नोट्स थे और अब अलग नोट्स है, उसी तरह से ईरान में भी है। तो ये वाला जो आप नोट देख रहे हो ना, ये है भाई यहाँ की न्यू करेंसी, जिसमें ना पीछे की साइड में तो आपको बहुत सारे जीरोस दिखेंगे, बट फ्रंट वाली साइड में आपको इस तरह का नंबर दिखेगा, जैसे इसमें 100 लिखा हुआ है, इसमें 50 लिखा है, तो ये तो न्यू करेंसी हो गई। अब एक है इनकी ओल्ड करेंसी, इसमें आप देखो बैक साइड में वो जीरोस तो लिखे हुए बहुत सारे, बट फ्रंट साइड में कहीं पे भी न्यूमेरिक नंबर नहीं लिखे हुए, तो इससे पता चलता है कि ये वाली ओल्ड करेंसी है और नोट भी काफी गले हुए से है, पुराने पुराने। इस चीज के अलावा भाई यहाँ पे ना 3 टाइप की करेंसी चलती है। सबसे पहला है ईरानी रियाल, शॉर्ट फॉर्म में IR भी बोल सकते हो। सेकंड है तोमान, एंड तीसरा भी जो है ना वो भी तोमान ही है, बट उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है यहाँ के लोकल लोगों ने। और इन करेंसी के अलावा ना आप यहाँ पे US डॉलर भी यूज कर सकते हो, लगभग हर होटल शॉप वाले आपसे ले लेंगे US डॉलर भी। तो यहाँ पे मेरे पास लगभग भाई सारे ही नोट है ईरान के, पुरानी करेंसी हो, न्यू करेंसी हो, तोमान हो, रियाल हो, सब कुछ है। आपको मैं बताता हूँ डिटेल में। सबसे पहले तो देखो भाई, मेरे पास ये 100 का नोट है, इसकी अगर आप बैक साइड में देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा 1 मिलियन रियाल, यानी कि 1 है, फिर उसके बाद 6 जीरोस है। तो जो रियाल है ना, वो तो भाई बहुत बेसिक करेंसी है, जो लिखा हुआ है उतने ही रियाल बनते हैं। एक और चीज भाई, गूगल पे चेक मत करना बिल्कुल भी करेंसी कन्वर्जन, क्योंकि बहुत गलत है, यहाँ पे आके अलग ही मिलेगा, गूगल पे अलग ही लिखा है। तो अगर हमें इस रियाल को तोमान में चेंज करना है ना, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई नोट अलग नहीं है, यही नोट है, यही रियाल है, यही तोमान। इसमें बेसिकली क्या करना है, जो आपको पीछे 6 जीरो दिख रहे हैं ना, बस लास्ट का 1 जीरो हटा देना है, यानी कि ये थे भाई 1 मिलियन या 10 लाख रियाल। तो अगर मैं 1 जीरो हटा देता हूँ, तो ये बन जाएंगे भाई 1 लाख तोमान। सिंपल सा फंडा हो गया ना, 1 मिलियन रियाल्स इज इक्वल टू 1 लाख तोमान। बट अभी भी ना यहाँ पे ये करेंसी यूज करने में नंबर इतने ज्यादा ऐसे होचपोच हो रहे थे, क्योंकि आप नॉर्मल पानी की बोतल लोगे ऐसे 40,000 तोमान, 50,000 तोमान। तो लोकल्स ने क्या किया ना, सिंपल सा फंडा लगाया, जो ये 1 जीरो हटा के इन्होंने तोमान बनाया ना, उस नंबर के भी लास्ट के 3 जीरो हटा दिए, और फिर जो डिजिट बची उसको भी तोमान बोलने लगे। बट ये जो है अनऑफिशियल तोमान है, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं बनाया हुआ, ये लोकल्स ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया था। तो एग्जांपल के लिए ये 1 मिलियन रियाल या फिर 1 लाख तोमान जो है ना, वो एक्चुअल में भाई सिर्फ 100 तोमान है, एंड इसी रीजन की वजह से फ्रंट साइड में आपको 100 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड ये 100 आपको सिर्फ ना नए वाले नोट्स पे ही मिलता है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने भी समझी ये चीज की हाँ मुश्किल हो रही है, तो उन्होंने नए वाले नोट छापे जिसमें ऐसे आगे की तरफ ये लिख के देते थे। बट अगर आप इनकी पुरानी करेंसी देखोगे ना, उसमें आगे की तरफ कोई भी नंबर नहीं था। तो अगर आप में से कोई भी ईरान घूमने आ रहा है, सिंपल सा फंडा रखना, नई वाली करेंसी में जो सामने नंबर लिखा हुआ है ना, उतने ही यहाँ के तोमान है। तो आपको जहां भी खाना खाना है, होटल लेना है, वहां पर पूछना पड़ेगा कि जो भी वो बिल आपको दे रहे हैं वो रियाल में है या तोमान में है। ज्यादातर जगहों पर तोमान में ही आपको बोला जाएगा बिल भरने को। तो अगर वो बोलते हैं 100 तोमान, तो सिंपल सी बात है, ये वाला नोट आपको पकड़ा देना है 100 का। और अगर वो बोलते हैं 1 लाख तोमान, तब भी आपको भाई यही वाला नोट पकड़ाना है, क्योंकि 100 तोमान हो या 1 लाख तोमान हो, ये करेंसी सेम ही है, नोट सेम ही है। और अगर वो बोलते हैं 1 मिलियन रियाल, तब भी आपको भाई यही 100 वाला नोट पकड़ाना है। आई होप आप कन्वर्जन समझ ही गए होंगे। ये तो 100 का नोट था, इसी तरह से ये 50 का नोट है, यानी कि 5 लाख रियाल, या फिर 1 जीरो हटा दोगे तो 50,000 तोमान, और अगर शुरू के 2 डिजिट लोगे तो अनऑफिशियल वाले 50 तोमान, और बैक साइड में भी आप देख ही सकते हो 50 लिखा हुआ है। ये तो चलो नई करेंसी होगी, आप आराम से समझ जाओगे। होता क्या, जब आप करेंसी चेंज करवाते हो, आपको पुराने नोट भी मिल सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए, ये मेरे पास 20,000 रियाल का पुराना नोट है, तो अगर मैं इसमें से 1 जीरो हटा देता हूं, तो ये बने भाई यहां के 2,000 तोमान। और अगर इसकी हम शुरू की डिजिट लेते हैं, तो ये सिर्फ बनेगा 2 तोमान अनऑफिशियल वाले, 20 तोमान नहीं बनेगा, 2 तोमान बनेगा ये। अब ये तो यहां की बात होगी, अब जरा कन्वर्जन भी तो देख लिया जाए, इंडिया और US डॉलर का क्या कन्वर्जन चलता है। तो सबसे पहली बात, अगर आप इंडिया से आ रहे हो, तो भैया US डॉलर कैरी करना, यहां पे कोई भी इंटरनेशनल कार्ड नहीं चलते, ना आप ATM में यूज कर पाओगे, ना ही कार्ड मशीन में यूज कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ US डॉलर ही लेकर आना। इंडियन करेंसी भी कोई यहां पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही चेंज करेगा। हम अपने US डॉलर लेकर आए थे, तो हमें इंडिया में $1 पड़ा था 84 रुपीज का, यानी कि $100 हो गए 8400 इंडियन रुपीज। तो वो हमने $100 का नोट यहां पे करेंसी चेंज करने के लिए दिया, तो उसके बदले उन्होंने हमें 5 करोड़ रियाल दिए। एग्जाम्पल के लिए ये जो 50 वाला नोट है, या फिर पीछे जो लिखा हुआ है 500,000 रियाल, 5-5 लाख के उन्होंने हमें 100 नोट दिए, जिससे कि 5 करोड़ रियाल बनते हैं। अब 5 करोड़ में से अगर आप 1 जीरो हटा दोगे, तो वो बनेगा 50 लाख तोमान, और अगर आप उसके शुरू की डिजिट लोगे और पीछे के 0 हटा दोगे, तो ये बनेगा 5,000 अनऑफिशियल तोमान। तो सिंपल रखते हैं, 8400 रुपीज का हमें $100 पड़े, डिवाइडेड बाय 5,000 यहाँ के अनऑफिशियल वाले तोमान। तो मोटा मोटा जो रेट निकल के आया वो है भाई 1.68, यानी कि यहाँ का 1 तोमान इंडिया के 1.68 रुपीज के बराबर है। अब एग्जाम्पल के लिए हमने एक ये 1.5 लीटर की पानी की बोतल खरीदी है, इंडिया में मेरे ख्याल से ये 30 या 35 रुपए की होनी चाहिए, बट यहाँ पर
पर हमें ये चार अनऑफिशियल तोमांस में मिली है, तो उससे आप हिसाब लगा सकते हो भाई यहाँ पर चीजें बहुत सस्ती है। यहाँ पर एक ऐप चलती है स्नैप करके, उससे हमने कल एक टैक्सी बुक करी थी, लगभग 4-4.5 किलोमीटर हम उस टैक्सी से गए थे एंड हमने उनको दिए थे भाई 260,000 रियाल। 1 0 हटा दूंगा तो बन गए 26,000 तोमान, और शुरू का लूंगा 2 डिजिट तो वो बनेंगे 26 तोमान। सही है यार, 26 तोमान्स में हमें 4-5 किलोमीटर की टैक्सी मिल गई, यानी कि इंडिया के वही 50 रुपए के आसपास हो गया, जबकि इंडिया में अपने 50 रुपए में तो ऑटो आता है, वो भी नहीं आता आजकल, तो 80-90 रुपए मांगता है ऑटो भी 2-3 किलोमीटर के। तो यहाँ पे हमें 50 रुपए में टैक्सी मिल गई, बताओ। अब आई होप भाई लोग आपको सबको समझ आ गया होगा, हमें भी 3 दिन लग गए समझने में, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब जो भी हमसे जितने भी पैसे जिस भी करेंसी में मांगेगा वो हम ढंग से दे पाएंगे, वरना पहले तो ऐसे कर देते थे उठा लो जी जितने उठाने हैं, बट अब हम स्मार्ट बन गए हैं। भाई हमने यहाँ पे टोटल $400 कन्वर्ट करे, जिसके बदले हमें 20 करोड़ ईरानी रियाल मिले हैं। तोमान की बात करें तो 2 करोड़ तोमान, और स्टार्टिंग का पूरा वो अनऑफिशियल वाले तोमान देखोगे तो 20,000 तोमान। तो देख रहे हो भाई साहब, ईरान आके हम मस्त करोड़पति बन गए, हालांकि करोड़पति वैसे नहीं है, बस नोट के मामले में ही है, लाखों के नोट है अपने पास, खरीद नहीं सकते हम करोड़ों वाली चीजें। सोचो इतने होते सही में तो भाई साहब ऐसे 20 करोड़ में क्या मस्त बंगला आ जाता इंडिया में अपने, है ना। और एक और चीज मैंने जो बोला था वीडियो स्टार्टिंग में कि शिप जो है वो आ चुकी है बंदरबाज, एक्चुअल में ना बंदरबाज आ चुकी है लेकिन पोर्ट पे नहीं लगी है, तो पोर्ट पे लगेगी, फिर सारे कंटेनर उतरेंगे, फिर जाके हमारी कार मिलेगी। तो अभी हमें पता चला है कि 3-4 दिन और लग सकते हैं, तो वेट करना पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बाकी वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना पीता, बाय।